ये हैं दुर्ग जिले की मतवारी गांव की जागृति साहू, जो आज महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मैं गांव की एक साधारण महिला जो आज लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी के लिए चयनित हुई हूँ। दो विषयों में पीजी और बीएड डिग्री होल्डर जागृति शिक्षक बनना चाहती थीं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बेटी को मशरूम पसंद था तो उन्होंने घर पर ही मशरूम की खेती की और इसमें व्यावसायिक सफलता प्राप्त की। मेरे घर में खरीदा के मशरूम आते सप्ताह में दो बार, तो मैंने सोचा कि एक काम करो तो इसी फील्ड को चुन लो। क्योंकि मेरी बेटी को मशरूम बहुत पसंद था, मैंने पिंक ऑयस्टर मशरूम की खेती करना शुरू किया। जागृति के स्वावलंबी बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति को सरकार की योजनाओं ने बल दिया। वे टीचर तो न बन सकी, पर आज राज्य की हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अपने पैरों में खड़ा होना सिखाया है। तो जिन दीदियों को मैंने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया था, उन सबके साथ मिलकर हमने 33 लाख का मशरूम जो है बेचा था। पिछले वर्ष हमने 8.5 लाख का हर्बल गुलाल बेचा है, वो भी हमारे बाड़ी से निकले हुए सब्जी और फूलों से। मैं बाहर जॉब कर रहा था, मैंने देखा जब ये इतना आगे बढ़ रही है तो फिर मैं वापस आया और मैंने सोचा कि मैं भी घर पे रहूं और इसके साथ में मिलके काम करूं, तो ये बिजनेस और बहुत आगे जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि मजदूर नहीं मिलते थे, पैसा देने के बावजूद भी समय भी नहीं रहता था और हमारे जो फसल है वो नष्ट हो जाते थे, लेकिन कम समय कम लागत में अगर हमको ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने के लिए अभी किसान लोग जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल नमो ड्रोन दीदी में चयनित होकर ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लिया। आज वो न सिर्फ एक प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं, बल्कि उनकी पहचान ड्रोन दीदी के रूप में भी है। अपने ड्रोन चलाने के कौशल से वो किसानों को कृषि नवाचार से जोड़ रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे इफको टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण आज मैं नमो ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।